जीतने के बाद बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इंटरप्रिटेटर्स की जॉब के लिए, सर्विस के लिए उनके पास जाती है। अब बात ये आती है कि अगर हम किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो हमें कितनी लेवल की आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले अलियांस फ्रांसिस के बारे में। फ्रेंच लर्निंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से फ्रेंच लर्न करना चाहते हैं और उनको माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से करिकुलम रहता है इनका फ्रेंच का, क्या क्या सर्टिफिकेशन होती है, इनकी कहाँ पे ब्रांचेस होती है और इनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, यहाँ से करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कितना टाइम लगने वाला है इस कोर्स को कम्प्लीट करने के लिए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में पिक करूंगी। विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। इस चैनल में मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशन वीडियो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम करिकुलम समझते हैं। तो इसके अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। वहां पर सबसे पहला लेवल होता है A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। ये कुछ लेवल्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें, A1 हमारा होता है बिगिनर्स लेवल, जिसे हम कहते हैं। A1 हमारा टिपिकली बिगिनर्स लेवल होता है, जिसके अंदर आपको एक एवरीडे कन्वर्सेशन सिखाई जाती है। बिल्कुल बेसिक फ्रेजेस रहेंगे इसके अंदर, जैसे आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कहीं पे आप जा रहे हो। इस लेवल को जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत आपको स्लोली, बहुत स्लोली स्पीड में वो आपसे बोलेंगे फ्रेंच लैंग्वेज में, और ये आपको सिखाया जाएगा कि आप एटलीस्ट अपने बेसिक क्वेश्चंस के आंसर कर सको। उसके बाद आ जाता है A2 लेवल। A2 लेवल को एलिमेंट्री लेवल कहते हैं। एलिमेंट्री लेवल का मतलब होता है जिसमें आप सिंपल और रूटीन एक्टिविटीज को, आपको अपना किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को डिफाइन कर सकते हो, आप अपने एनवायरमेंट को डिफाइन कर सकते हो, फैमिलियर और रूटीन मैटर्स पे किसी से कम्युनिकेट करना हो, किसी को उसके बारे में बताना हो, तो ये सारी चीजें आप अपने A2 लेवल में सीखोगे, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री लेवल। उसके बाद आ जाता है आपका B1 लेवल। B1 इज इंटरमीडिएट लेवल एंड B2 के पास आता है अपर इंटरमीडिएट लेवल। B2 के अंदर स्पेसिफिकली आपको स्पॉन्टेनियस, मतलब एकदम से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उसका आंसर कर सको फ्रेंच के अंदर, तो ये चीज के आपको ट्रेन किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप B2 तक आओगे तब तक आपकी थोड़ी सी फ्लुएंसी, यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग योर फ्लुएंसी, आप फ्लुएंसी में आ जाओगे, उससे पहले यू आर जस्ट लर्निंग। इसके बाद आ जाता है C1 और C2। C1 और C2 में आपको प्रोफिशिएंट यूजर कहा जाता है कि अब आप प्रोफिशिएंसी के थ्रू जा रहे हो। जब आप C2 पे आते हो तो आप मास्टर या प्रोफिशिएंट हो जाते हो। अब बात ये आती है कि अगर हम किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो हमें कितनी लेवल की आनी चाहिए। कुछ कंपनीज आज फॉर B2 लेवल और कुछ कंपनीज आज फॉर C1, एटलीस्ट मिनिमम C1 चाहिए होता है उन्हें। मतलब आपको B2 तक तो मिनिमम आने ही चाहिए, और अगर आप एक अच्छी कंपनीज में टारगेट करो तो आपको C1 भी कम्प्लीट करनी चाहिए। अब इन सब लेवल्स के अंदर तो आप सिर्फ सीख रहे हो, आपने सिर्फ स्टडी कर रहे हो, राइट? बट अभी आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया। कंपनीज ऐसे नहीं होता कि आपने लिख दिया कि आई हैव डन कोर्स फ्रॉम दिस, बट कंपनीज आज फॉर दी प्रॉपरली सर्टिफिकेशन। आपका सर्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेशन प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, राइट? तो आपको सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। जैसे जैसे आप लेवल क्लियर कर रहे हो, आपने भाई A1 किया, आप टेस्ट दो, A2 किया, टेस्ट दो, B1 किया, टेस्ट दो, हर चीज के बाद आप टेस्ट दो। जो टेस्ट होते हैं उसको हम कहते हैं DELF एग्जाम्स और DALF एग्जाम्स। इनको, ये दो एग्जाम्स होते हैं, A1, A2, B1, B2 आपका DELF में आते हैं, और जो C1 और C2 होते हैं वो DALF होते हैं। ये जो एग्जाम आप एक बार क्लियर कर लेते हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल इन दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब कहीं पर भी वर्ल्ड में जाओगे और कहीं पर भी अगर आपको फ्रेंच की ओपनिंग मिल रही है, कहीं पर भी जॉब मिल रही है फ्रेंच की, अगर आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट होता है। तो आप सोच सकते हो इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। ये जो इशू किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन फ्रांस से किया जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। ये एग्जाम आपके साल में 4 बार होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। ये साल में आपको 4 बार ये एग्जाम्स मिलेंगे। तो जब भी आपको लगे मैं रेडी हूँ इस एग्जाम के लिए, आप जरूर एग्जाम कर दो। इनके इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, अगर आप एक लेवल से दूसरे लेवल जा रहे हो तो ये आपको इंटरनल भी लेंगे, तो आपके इंटरनल एग्जाम भी होंगे। ऐसे ही आपको दूसरे लेवल में पास नहीं करने की, क्लासेस ओवर हो गई, आपको इंटरनल एग्जाम भी देने पड़ेंगे, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी आगे सर्टिफिकेशंस के लिए। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कहीं और से कोर्स करके आते हैं, लाइक उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा हुआ है या किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, तो वो क्या करें? आपको जब भी आपने कहीं से भी फ्रेंच करी होगी और आप इस इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको एक ओरिएंटेशन टेस्ट देना पड़ता है। आपको वो टेस्ट लेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से लेवल में बिठाना है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने A2 क्लियर किया हुआ है तो आप मुझे B1 में जाना है। आपका टेस्ट लेंगे, अगर आप B1 के लिए रेडी होगे तो आपको B1 मिलेगा, बट अगर आप टेस्ट में क्लियर नहीं हो पाए तो हो सकता है आपको A2 मिले या दोबारा से A1 मिले। उनके सिलेबस के हिसाब से आपको लेवल मिलेगा, या आपने सर्टिफिकेशन आपका क्लियर है A2 का तो आपको B1 मिलेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो ओरिएंटेशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उनके लिए ओरिएंटेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपने सही लेवल पे
जाके बैठो, वहीं से जाके अपना स्टार्ट करो. राइट, अब इनके जो कोर्सेज है आप चूज कर सकते हो. इनके पास वीकेंड बैचेस है, वीकडे बैचेस है. तो कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेस आपको मिलेंगी? तो सबसे पहले अहमदाबाद, बेंगलोर, बंगाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, पंजिम, पौंडीचेरी, पुणे, त्रिवंदपुरम. ये इंस्टीट्यूट की यहाँ यहाँ पे ब्रांचेस है. आप कहीं किसी भी ब्रांच है जो भी आपको नियर बाय पड़ती है, अब वहां से इस कोर्स को कर सकते हो. अब बात आती है बेनिफिट्स की, क्योंकि यहाँ से हमें क्यों करना चाहिए, इतना क्या स्पेशल है कि हमें यहाँ से करना चाहिए. जिन स्टूडेंट्स को होता है मुझे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, मुझे बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन मिल सकता है. राइट, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं जो इनके थ्रू बाहर गए हैं. दूसरी चीज, ये लोग जस्ट नॉर्मल स्टडी नहीं कराते हैं. यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज स्टडी होती है, यहाँ पे आपको स्पेशली मूवी नाइट्स मिलेगी, वर्कशॉप्स मिलेंगे, सेमिनार मिलेंगे, रोल प्लेज मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव स्टफ मिलेगा फ्रेंच को सीखने के लिए. यू नॉट ओनली लर्निंग फ्रेंच, यू विल बी लिविंग फ्रेंच. वहाँ किस तरीके का एनवायरमेंट है, वहाँ पे किस तरीके एनवायरमेंट है, कैसे वहाँ के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं. पहले दिन से आपको वहाँ पे, आप चाहे A1 लेवल में जाओ, C1 लेवल में जाओ, किसी भी बेसिक लेवल में जाओ, एडवांस लेवल में जाओ, आपको फर्स्ट डे से वो आपके साथ फ्रेंच बोलेंगे. तो आपको ऑन टोज रहना पड़ेगा, आपको पहले दिन से आपको ऑन टोज रहना पड़ेगा, आपको रोज स्टडी करनी पड़ेगी अगली क्लास में आने से पहले. तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑल्सो इन फ्रेंच. ऐसा नहीं है सिर्फ आपका सिलेबस कवर हो गया, उनका टीचिंग स्टाइल इज वेरी फन, यू आर गोइंग टू लिव दैट लैंग्वेज. उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है, उनका प्रॉपर एक नोटिस बोर्ड होगा, वहां कोई भी अपॉर्चुनिटी आए विद इन इंडिया, बाहर की कुछ भी उनका प्रोसेस हो, तो आपको वो वहां से इजिली मिल जाएगा. कंपनीज जो है ट्रांसलेटर इंटरप्रिटेटर्स की जॉब के लिए सर्विस के लिए उनके पास जाती है. किसी भी कंपनी को फ्रेंच रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले जो कंपनी है वो इसी इंस्टीट्यूट के पास जाएगी आस्किंग फॉर दिस सर्विस. इवन वहां से आपको ट्रिप्स भी मिलेंगे फ्रांस के, कि वो कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, यू कैन ऑल्सो गो विजिट देयर प्लेस. क्लास साइज बहुत स्मॉल है, 15-20 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें आप बैठ के आराम से फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो. वो आपको बहुत अच्छा एक कल्चरल एक्सपीरियंस देने की ट्राई करेंगे. ज्यादातर इस इंस्टीट्यूट के जो रिव्यूज है वो बहुत पॉजिटिव है, बट यहाँ का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि दिस इज लिटिल एक्सपेंसिव. सो कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, मैम दिस कोर्स इज टू एक्सपेंसिव फॉर अस, पहले कहीं और से आप कोर्स कर लो या ऑनलाइन कर लो, तो एक दो लेवल यहाँ से कर लो तो आपको एक होलसम एक्सपीरियंस मिल जाएगा. अब बात आती है कितना टाइम लगेगा एक नॉन नेटिव स्पीकर को, जिसको बिल्कुल फ्रेंच नहीं आती, उसको कितना टाइम लगने वाला है. तो जैसे मैंने बताया था इनके लेवल्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2. तो सबसे मेन बात कि आप आइदर वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, कुछ कोर्स कर रहे हो आप, या आप बिल्कुल स्टूडेंट हो, भी आप कुछ नहीं कर रहे हो और अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप पूरा फोकस करने वाले हो. तो किस तरीके की आप क्लासेस ले रहे हो? वीक में 2 टाइम्स की क्लास होती है, वीक में 4 टाइम्स की क्लास होती है, और ऊपर वीकेंड बैचेस होते हैं. उसके बाद इनके पास हाइब्रिड क्लासेस भी होती है. इनके पास हाइब्रिड क्लासेस भी हैं कि आपको कभी कभी क्लास में आना है और आपको ऑनलाइन सेशंस मिल जाएंगे. तो आप कौन सी क्लास चूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली जो होता है आपका जो A1 है वो 3 महीने में खत्म हो जाता है, A2 भी आपका 3 महीने में खत्म हो जाता है. उसके बाद अगर हम B1 की बात करें तो B1 आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, B1.1, B1.2. मतलब B1 ही आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और हर एक पार्ट को वो 3 महीने आप राउंड ऑफ लगा के चलो, 3 महीने में खत्म होगा, फिर 3 महीने में खत्म होगा, तो आपका B1 6 महीने लेगा. ऐसे B2 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो वो भी आपका 6 महीने लेगा. मैं ये मान के चल रही हूँ आपने कोई ब्रेक नहीं लिया, आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो, तो आप 1 से 1.5 साल के अंदर A1, A2, B1, B2 के लिए आप पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे. अब आ जाती है C1 और C2 की. C1 और C2 थोड़े से एडवांस लेवल है, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं. C1 आपका 6 महीने लेगा और C2 भी आपका 6 महीने लेगा. तो 1.5 साल अगर आपका लगा तो आगे 1 साल और लगा लो, 2.5 साल में आपको पूरा कंप्लीट कर पाओगे. एक लेवल 1 साल में क्लियर करा तो 1 साल और लेके 2 साल में आप क्लियर कर लोगे. ये बात मैं कर रही हूँ उन स्टूडेंट की जिन्होंने रेगुलर क्लास ली और जिन्होंने साथ साथ स्टडी करी. और यही अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, आप वीकेंड बैचेस ले रहे हो, उतना फोकस नहीं कर पा रहे, तो 2 से 4 साल भी हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा. When you're opting to learn a new language, आप opt कर रहे हो कि मैं एक न्यू लैंग्वेज लर्न करूं, तो आपका टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, मनी भी लगेगा. ये तीनों चीजें आपको लगानी पड़ेगी, तब एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. आपको रियली में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मैंने आज की और एकदम से मैं सीख जाऊं, इट विल टेक टाइम. एक न्यू लैंग्वेज टाइम लेती है, आपके एफर्ट्स लेगी, आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. यू कांट टेक दैट प्रेशर, यू हैव टू डू वेरी कामली, अच्छे से कंप्लीट करना. लैंग्वेजेस को आप एक रश मैनर में कंप्लीट नहीं कर सकते. बहुत रश मैनर में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो आप लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाओगे.